हालांकि आपके लिए मैं कंप्लीट स्टॉक छोड़ के जा रही हूँ, मेकअप के ट्यूटोरियल आपके पास बैक टू बैक आते ही रहेंगे, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। दिन की शुरुआत कुछ इस टाइप के ब्रेकफास्ट होती है आजकल। मम्मी पापा वहाँ गए थे ना पतंजलि, तो वहाँ पर उनको यही मिलता था, घर पे भी अभी यही स्टार्ट कर दिया है सबके लिए। और अब मम्मी को सरप्राइज़ करने का टाइम आ गया है, चिकू भी उठ चुके हैं और चिकू का ब्रेकफास्ट बाकी हम सब का हो गया है। चिकू अब मम्मी के पास जा रहे हैं। कहाँ रखा है चिकू? फ़ोन कहाँ रखा है? बेड पे। ये देखिए मम्मी का पुराना फ़ोन जो कि पूरी तरह डैमेज हो चुका है, बीच में खड्डा तक हो गया है, ये पतंजलि गए थे वहाँ पे ख़राब हुआ है, पहले से स्क्रीन तो फूटी हुई थी। और ये मम्मी का नया फ़ोन, मम्मी कब से बोलते रहे मेरा फ़ोन नया लाना है, पर मम्मी को पता नहीं है कि उनका फ़ोन नया आ चुका है। कल रात को हमने टाइम नहीं मिला ऐसे कुछ चिकू ने बहाना मारा है, पर अभी सुबह मम्मी को सरप्राइज़ करते हैं। मम्मी को कोई आइडिया नहीं है चिकू उनके लिए फ़ोन लेके आए, और मम्मी का नया फ़ोन मस्त एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ का है। अब मम्मी जैसे ही मम्मी शायद नहाने के लिए गए हैं, जैसे ही नहा के निकलते फिर सरप्राइज़ करते हैं। यहाँ पर डिब्बा खाली खाली पैक हो रहा है, सिर्फ अंदर जो भी फ़ोन के साथ चीज़ें आती है वही अंदर रख रहे हैं। फ़ोन निकाल दिया है, फ़ोन चिकू बाद में लेके देंगे। मम्मी का थोड़ा प्रैंक कर रहे हैं, मम्मी को उल्लू बना रहे। और चिकू वापस पैकिंग करते पता चल ही जाएगा मम्मी प्रैंक कर रहे हैं। हाँ मम्मी हंस तो जाएंगे, देखना पता चल जाएगा। चल ये मम्मी का फ़ोन यहाँ पर हम छुपा दिया है फ़ोन, और मम्मी को यहीं पर बुला रहे हैं। अभी मम्मी आएंगे फिर फ़ोन देते हैं नकली वाला। बोला ये आपका मोबाइल, बैठो आराम से। अच्छा दिन बताया वही है कि ठीक है असली वाला दे दे भाई। वो फोरफोर होनी है लाइव छोटा सा है। नमस्ते कैसे? ये तो मैं पुराना फोन, मैं पुराना फोन जो की वो है तो जो से कल तो मैंने तो कल फोन बोले सब लेट थे ना की दो एम थी की तो ये कल इस फोन के लिए लेट हुआ। डेढ़ घंटे फोन लेवा में रही गया के अटले पर से बाद में नहीं जी डेढ़ घंटा ट्रैफिक जाम बे घंटा तीन घंटा दे मस लेट थी के तो मम्मी पूरा डिटेक्शन कर रहे हैं कि कितने का ऐसे बोल पे नेवी ब्लू ब्लैक भी अच्छा, ब्लू कलर भी है मुद कारो है मैं ना डार्क का नेवी ब्लू कलर है। बहुत अच्छा चल सही में अच्छा लगे है क्या? मम्मी को फ़ोन देने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद खाना बना लिया है। आज हम दोनों को जाना है जो हम कल सारा मेरे स्टूडियो के लिए जो भी सारा लेके आए उसको पूरा सेटअप करने के लिए, यानी ऑल ओवर आप सोच लीजिए अब मेरा स्टूडियो पूरा नया ही होने वाला है। ये ओल्ड स्टूडियो पूरा बाय बाय कर देंगे और नए स्टूडियो का आज जमाते हैं हम दोनों मिलकर। और अभी हमारा लंच हो रहा है, लंच में है आज दाल चावल रोटी। बड़े दिनों के बाद चावल खा रहे हैं आज हम दोनों, मजा आया बड़े दिनों के बाद चावल का टेस्ट लगे। ओहो खाना हो गया है, अब हम जा रहे हैं हमारे स्टूडियो का मेक ओवर करने के लिए, तो लेट्स गो। अभी सारी चीज़ें तो कार में ही पड़ी हुई है जो कि जो भी कल हम लाए थे वो। और मुझे क्या लेना है, एक बैटरी ले लेना है, ये कैमरे की बैटरी। घड़ी पहनी नहीं, भूल गई। हमेशा हमारा मेकअप होता है मेकअप स्टूडियो पर जाकर, पर आज स्टूडियो का मेक ओवर होगा। ये सारी चीज़ें जो कल लेके आए थे अब अंदर जा रही है, तो शॉप पे आ गए हैं अपन, अब चलते हैं अंदर। और अंदर अब जाके आपको बताते क्या क्या लाए हैं और क्या क्या सजा रहे हैं। ये देखो निपेश जी सब लेके आ रहे हैं वो, ये पकड़ो ये साथ में रुको फोन यहाँ रख देती हूँ। अब सारा सामान निकालते हैं। एसी भाई से आपको चालू कर दिया है
पूरा खाली हो रहा है एक एक करके, और अब इसके अंदर होने वाला है बहुत सारा मेकओवर। ये तो रिफ्लेक्टर है। वाह, रिफ्लेक्टर का मजा देख रहे हो आप। इस तरीके से हम हमारे फोटोज क्लिक करते हैं। अब इसको भेज देते एक बार बाहर। ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है? अब बाहर की कुछ हालत देख लीजिए। इतना सामान हम इस छोटे से स्टूडियो में रखते हैं, और ये सामान भी कभी कभी जाता है स्टूडियो में जो आप वीडियोस देखते हो। देखो जो पेंटिंग्स भी हम लाए हैं वो भी कितनी अच्छी है, फ्लावर वाली ही पेंटिंग है। वाकई चीज को बहुत अच्छी लग रही है वॉलपेपर बॉल। एक नंबर वीडियो में पता चले जैसा। अब तो आपको वीडियो में जो मेरा पहले का बैकग्राउंड था वो कुछ डिफरेंट था ना, अब ये मेरा ही सबसे हो रहा है। लगा पति का पूरा योगदान। मम्मी पापा भी अभी आए स्टूडियो देखने के लिए, अभी हम पूरा जमा रहे हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मम्मी पापा को चीज़ बाहर लेने जा रहे हैं। मेरे कहाँ है ये? ये क्या हो रहा है? सब सेटिंग हो रही है। चिपका दिया पूरा ये। आप देख सकते हो ये रहा मेरा पूरा न्यू मेकअप स्टूडियो का सेटअप जो कि अभी मेरा चेंज हो चुका है एकदम, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेरा न्यू मेकअप ट्यूटोरियल बनाने के लिए, क्योंकि अब मेरी मन पसंद का मेरा
स्टूडियो पूरा रेडी हो गया है। इसके अंदर और भी हम नए कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अब करते ही रहेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि ना चेंज करें, कुछ अच्छा लगेगा और साथ में वीडियो में भी अच्छा लगेगा और व्लॉग्स भी इंटरेस्टिंग तो लगेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस रूम में और अच्छी क्रिएटिविटी करूँ तो आपको सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने में आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, सिर्फ आपको मेरी वीडियोस को शेयर करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, बहुत सारा प्यार दिखाना है, जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस दिखा सकूं। रखी है जिसके ऊपर बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स के शॉट्स आने वाले हैं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर मेरे ब्रशेस को जमा दिया है, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स जमा दिए हैं, और साथ ही साथ ये क्यूट क्यूट छोटे छोटे पॉट्स भी लाई हूँ, जिससे शूट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मिरर भी मैंने मेरा चेंज कर दिया है, जैसे कि मैंने आपने देखा पूरी थीम मेन वाइट और पिंक और एकदम ग्रीन बेज कलर्स की ही सारी थीम रखी है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा साइलेंट कलर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं मुझे और चिकू को दोनों को साइलेंट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो रिलैक्स कर देते हैं माइंड को, और हमारा जो मेकअप स्टूडियो है वहाँ पर मुझे रिलैक्स रहने के लिए ये कलर बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प भी करने वाले हैं, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल भी बनाने में हेल्प करने वाले हैं। तो आपको अगर ये आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा मेकअप स्टूडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चाहते हो कि मैं और अच्छे अच्छे आपके लिए ये सब लेके आऊँ और अच्छे अच्छे और यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए चीज़ें लेके आऊँ, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे सपोर्ट करना है, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर सकती हूँ, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बना सकती हूँ, अच्छे अच्छे मेकअप के ट्यूटोरियल बना सकती हूँ, और भी अगर आपको किसी और कंटेंट में बता सकूँ ऐसा तो वो भी कंटेंट में क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में रहते हैं, पर मुझे रहता है ना कि मेरी फैमिली को पसंद आए या फिर ना आए, पर उसी चीज़ के लिए कभी मैं आपको फ्री होकर एक वीडियो में पूरे वो आइडियाज़ शेयर करूँगी। अगर उसमें आपको एक भी आइडिया पसंद आए तो आप वो मुझे कमेंट में लिख के भेजना, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का सोचूंगी, उस टॉपिक के ऊपर अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा हुए तो बिल्कुल उसके बारे में सोचा जाएगा। तो बस यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं और मैं हमारे न्यू मेकअप स्टूडियो को एंजॉय करते हैं। ओके, बाय बाय। हे फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाली हूँ मेरे मायके पूरे 2 से 3 साल के बाद, और मेरा भाई मुझे आ गया है लेने के लिए, और वहाँ पे मेरे पति की बहुत ही गंभीर स्थिति है, वो यानी रो रहे हैं, और मुझे 2 दिन से ये पूछा वापस कब आएगी, जबकि गई तो मैं हुई नहीं, और अभी भी यूँ कह रहे कि आज का दिन तो गिना गया है, क्योंकि तू तो सुबह से कह रही है मैं जा रही हूँ, इसका मतलब तू तो चली गई है, ये चीज़ गलत है कि नहीं गलत है। तो फ्रेंड ये आ गया यश, यश के बड़े बाल कैसे दिख रहे हैं, इसके ब्लॉग में दिख नहीं पाते हैं क्योंकि ये फुल फ्रेम तो रहता ही नहीं है, कभी माथा कटता ही रहता है इसका, मैं अपना आधा ही मुंह देता हूं, क्योंकि बुरा दिखाने लायक रहा नहीं है, इसलिए मेन चीज तो ये है। तो अब काले मेरे बाल मामा ने किया को सब करो इसके ठीक है। अब मिलेंगे आपको 5 से 6 दिन के बाद, हालांकि आपको हालांकि आपके लिए मैं कंप्लीट स्टॉक छोड़ के जा रही हूँ, मेकअप के ट्यूटोरियल आपके पास बैक टू बैक आते ही रहेंगे, तो वो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। अब चिकू के पास कुछ टाइम नहीं है तो बैठे बैठे बेचारे मेरे वीडियोस देख देख के ही टाइम पास करेंगे, और मेरे ब्लॉग्स देखेंगे, और आप भी कुछ दिन ऐसे ही दिन निकाल लेना, ओल्ड वीडियोज़ भी देखना और उनको शेयर करना। बाय।